मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान का अपने निवास से वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रोफेसर पीसी डांडिया को कोविड-19 का टीका लगाया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी पर प्रभावी रूप से नियंत्रण किया, यही कारण है कि प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1% से भी कम रही। बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतजार था, आखिर में वैक्सीन आई गई और राजस्थान बहुत अच्छे ढंग से लॉन्च हुई है। 167 बूथ पे एक साथ में वैक्सीनेशन होगा। अभी आपने देखा बहुत उत्साह था, प्रिंसिपल SMH कॉलेज उन्होंने खुद ने वैक्सीन लगवाई। 93 ओल्ड रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर डंडिया जी ने वैक्सीन लगाई। पूरे प्रदेश भर में हमने बातचीत करी, बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर। मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो हमारे यहाँ जीरो हो गई है मृत्यु दर कल ही, और आज वैक्सीन आई है, एक शुभ संयोग है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर एक माहौल बनेगा, जिस प्रकार हमने कोरोना का मुकाबला किया शानदार तरीके से, उसी ढंग से वैक्सीन का काम भी पूरा बहुत अच्छे ढंग से पूरा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं उसको देखता हूँ हिंदुस्तान ने और देशों के मुकाबले में इसको कंट्रोल करने के लिए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज होते हुए भी बहुत अच्छा काम किया है, और दूसरे देशों को यहाँ से सबक लेना चाहिए कि हम भी कर सकते हैं और करना चाहें तो। और एप्लीकेशन थी पहले बहुत कम थी, आज बहुत बढ़ गई हैं, और सब लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए।